अकादमिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पिछले 3 से भी अधिक दशकों से अकादमिक जगत और शिक्षा जगत में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं। देश और दुनिया में आपकी एक विशिष्ट पहचान है। विद्यार्थी जीवन काल में आपने जब राष्ट्रीय डिबेट चैंपियनशिप जीती थी तो उस समय विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय क्षेत्र में एक विद्यार्थी ने इस प्रकार से रोशन किया कि राष्ट्रपति भवन में आपको भोजन पे आमंत्रित किया गया, और उससे प्रभावित होकर के विद्यालय के कुलपति ने आपको शिक्षण के लिए ऑफर किया। तब आपके समक्ष सिविल सेवा से लेकर के तमाम विकल्प थे, लेकिन चूंकि कुछ इस तरह की पृष्ठभूमि होती है और कुछ माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा हो, कुछ ऐसा बरदहस्त कुछ लोगों पे होता है जो हम कुलपति महोदय के देखते हैं। आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती वास करती है, और आप जब भी बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं माँ सरस्वती की वाणी मुखारविंद से वो सब ऐसा कुछ विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है। और आप 3 से भी अधिक दशकों से साहित्य जगत में अपना कार्य कर रही हैं। शिक्षण और शोध के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। हमारा सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय के मुखिया के रूप में आपको दून विश्वविद्यालय का दायित्व मिला, और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आप सदैव इस विश्वविद्यालय को नई उत्तरोत्तर नई अकादमिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील हैं। और यह व्याख्यान माला उसी कड़ी का हिस्सा है कि हम देश और दुनिया के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकें, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को यह मौका मिले। मुझे याद है लगभग 25-26 वर्ष पहले पूरे विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने, वहां के शिक्षाविदों ने यह तय किया कि इस वक्त हम विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो गांव का ही न हो बल्कि गांववासी ही हो, और उस गांववासी जी की सभा में श्रीनगर रामलीला मैदान में कल्याण सिंह जी की सभा में सभी शिक्षकों ने यह तय किया कि डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी का भाषण होगा जो विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व करेगा। और मैडम ने जब वहां भाषण दिया तो कल्याण सिंह जी ने, जो उस समय के वहां पे मुख्य अतिथि थे या जो सभा को संबोधित करने के लिए आए थे, उन्होंने मंच पर लोगों से पूछा कि आप तो कहते थे कि गढ़वाल में महिलाएं नहीं है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो प्रोफेसर है, ये पार्टी में नहीं है। लेकिन उसके बाद बहन मायावती जी की सरकार बनी, और जुलाई में उस भाषण के 3 महीने के बाद ही आपको हिल्ट्रॉन का चेयरपर्सन का दायित्व दिया गया। उस वक्त आपकी उम्र 29-30 वर्ष से ज्यादा नहीं रही होगी। इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य में आपको तब मिली जब आप, जैसे मैंने जिक्र किया कि विद्यार्थी काल में आपने देश के अंदर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, और जब आप शिक्षक बनी तो विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व किया, और एक काफी कह सकते हैं कि लेक्चरशिप की ही उम्र में आपने इतने बड़े प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी, उसके मुखिया का दायित्व आपने निर्वहन किया। और आपकी प्रशासनिक दूरदर्शिता, पारदर्शिता, आप हमेशा उसके लिए प्रसिद्ध रही, उसके लिए जानी जाती रही हैं। आपने उसके कैंप कार्यालय श्रीनगर, ढालवाला, ऋषिकेश, श्यामपुर और भी उत्तराखंड के कई जनपदों में, उस समय कंप्यूटर लर्निंग के लिए आपने हिल्ट्रॉन कैल्क का एक नया सेंटर वहां पे स्थापित किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को किस प्रकार कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सके, क्योंकि उस दौर में Y2K को लेकर के भी कंप्यूटर जगत में एक बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए और कौशल विकास, किस तरह से स्किल इन्हांसमेंट ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का हम कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपने निभाई। और वर्तमान में दून विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आप कई कार्यक्रमों को संचालित कर रही हैं। यह व्याख्यान माला उसी कड़ी का ही हिस्सा है। पिछले दौर में जब NAC की टीम, आजकल उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनके मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल है, तो उसकी टीम हर 5 वर्ष में साइकिल 1, 2, 3 इस तरह के विजिट करती रहती है, ताकि क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके, और जो वहाँ पर जरूरी चीजें जो नहीं है, ताकि हम वैश्विक जगत पे भी अपने संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत पहले राष्ट्रीय स्तर पे होगी। तो इस तरह के मानक का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर NAC की टीम विजिट करती रहती है, विशेषज्ञ उसमें आते रहते हैं। दून विश्वविद्यालय में भी 2017 में इस प्रकार की टीम आई थी, तो उन्होंने जो अपने सुझाव दिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी विश्वविद्यालय में हैं, तो हमारे वहां पर ये फ्राइडे लेक्चर सीरीज, प्रोफेसर हर्ष डोभाल जी हैं, मीडिया के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, देश और दुनिया में पत्रकारिता जगत में आपने बहुत कार्य किया। हमने आपसे निवेदन किया कि आप उस दिन दून विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, तो आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर बी के जैन साहब की सहमति से और उनके दिशा निर्देश पर हम संचालित करते थे। और यहाँ पर विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, विशेषज्ञों को ये अवसर प्राप्त होते हैं कि वो कम से कम अपनी बात रख सकें,
सीखने के सिखाने के अवसर मिलते हैं। तो नैक पीयर टीम ने इसको विश्वविद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिसेस में रखा। उन्होंने कहा ये तो यूनिक है, ये कार्यक्रम और आगे बढ़ने चाहिए, संचालित होने चाहिए। लेकिन बीच में कोरोना काल में कुछ अवरोध हो गया था। आज हम इसको ऑनलाइन मोड में अपने कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी के नेतृत्व में पिछले फ्राइडे को इसका उद्घाटन किया गया। उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सिंह साहब ने उसका उद्घाटन किया। और इसमें हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति, महान शिक्षाविद और देश और दुनिया से जुड़े हुए कई विशेषज्ञों को इस पैनल में रखा है। माननीय कुलपति महोदय इस समिति का खुद ही मॉनिटरिंग करती हैं, खुद ही निरीक्षण करती हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज मैंने जैसे जिक्र किया कि माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनके नेतृत्व में चार वर्षों तक यह राज्य उत्तरोत्तर विकास की प्रगति के पथ पर आर्थिक दृष्टि से हो या ढांचागत विकास की दृष्टि से हो या राष्ट्रीय फलक पर राज्य की विशिष्ट पहचान को लेकर के रहा हो, एक विशिष्ट छाप बहुत अल्प समय में इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में हुए हैं। मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि आज के इस सीरीज में हमारे बीच में विश्वविद्यालय परिवार के हमारे शिक्षक साथी प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम, डॉक्टर गजेंद्र सिंह सहित तमाम शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार आयोजन मंडल की ओर से आप सभी शिक्षक साथियों का फ्राइडे लेक्चर सीरीज के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं जैसा जिक्र कर रहा था कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम को हम लोग विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि आज के हमारे मुख्य अतिथि और आज के वक्ता हमारे बीच में पधार चुके हैं, श्रीमान अशोक सज्जनहार जी, प्रोफेसर एस सत्य कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रोफेसर हर्ष डोभाल जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर सुधांशु जोशी जी, डॉक्टर राजविंदर हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सबका, आप सभी का आज के इस फ्राइडे लेक्चर सीरीज के द्वितीय संस्करण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और यह कार्यक्रम इस प्रकार से हम लोग जारी रखेंगे। डॉक्टर विजय श्रीधर जी, डॉक्टर वर्तिका, वंशिका चौहान जी, सभी का आज के इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं जिक्र कर रहा था कि जब आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ही दिशा निर्देश पर, आपके ही नेतृत्व में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध व अध्ययन केंद्र लगभग बनने को तैयार है, वहां पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। माननीय कुलपति महोदय ने कुलपति का दायित्व संभालते ही उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं हमारी जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उनको लेकर के भी उस केंद्र में इनको भी स्थापित करने की आप पुरजोर वकालत करती रही हैं। और मुझे लगता है कि उसमें हिमालय अध्ययन के और भी नए आयाम उसमें जुड़ेंगे, जो कि देश और दुनिया के जनजीवन को सुचारू रूप से संचालित करने में सफल सिद्ध होगा। हमारे बीच में कई शिक्षाविद, कई अर्थशास्त्री, प्रोफेसर केडी पुरोहित साहब हैं जो उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड में माननीय सलाहकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर रहे कई वर्षों तक शिक्षण और शोध में सक्रिय होने के बाद, वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा किस प्रकार से आगे गुणवत्ता के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए आप मार्गदर्शन करते रहते हैं हम सभी का। हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर केडी पुरोहित साहब आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हम दून विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक साथी, दून विश्वविद्यालय से हमारे विद्यार्थी और उच्च शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद, वैज्ञानिक, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा मैंने जिक्र किया कि आज हमारे बीच में राज्य के यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननेता श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम सबको अपना संदेश साझा करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका दिशा निर्देश हम सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप कृपया अपने आपको म्यूट जरूर रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है तो लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत आ गई। तो जो भी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, जो वक्ता हैं, जिन जो आमंत्रित अतिथि हैं, उनके व्याख्यान के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए, सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपने आप को म्यूट रखें। विपिन कुमार सैनी जी, विजेंद्र शाह, विनीश सत्यपाल जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर राजेश भट्ट,
हमारे बीच में हैं। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर एसपी सती जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए शिक्षाविद वैज्ञानिक आज के इस कार्यक्रम में हम सबके समक्ष रहेंगे। डॉक्टर राजेश भट्ट हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम मैडम हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और कल तो एनवायरनमेंट डे भी है, विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित हैं। प्रोफेसर डीडी चौनियाल जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुमन गोसाई जी, डॉक्टर सोम दत्त, डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रीति मिश्रा, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर जी सी डंगवाल, डॉक्टर करुणा शर्मा, डॉक्टर दीपक कुमार पांडे जी। दीपक कुमार पांडे जी, हायर एजुकेशन में सोशल मीडिया को की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो इसलिए हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो राज्य के समस्त उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों और प्रतिष्ठानों तक आप प्रसारित करते रहते हैं, उनको स्पेस देते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर हिमानी शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर ज्ञान, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी, डॉक्टर चारू द्विवेदी, दिव्या राणा, दीक्षा पवार, डॉक्टर धृति ढोंडियाल जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सभी शिक्षक साथियों का, हमारे विद्यार्थियों का, डॉक्टर चंद्रिका कुमार जी, दीपाली शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं कुलपति महोदय की अनुमति चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम हम लोग दून विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित फ्राइडे लेक्चर सीरीज के द्वितीय संस्करण में कोविड 19 की चुनौतियों को किस प्रकार से कम करें और विश्वविद्यालयों में शोध संस्थानों में शोध और शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से संचालित होते रहे, इसके दृष्टिगत ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके समक्ष पूर्व एम्बेसडर श्रीमान अशोक सज्जनहार जी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के डायरेक्टर साइंटिस्ट जी डॉक्टर एस सत्य कुमार जी भी उपस्थित हैं। मैं श्रीमान अशोक सज्जनहार जी, डॉक्टर एस सत्य कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल मैडम उपस्थित हैं। मैं कुलपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ही इस तरह प्रकार के अकादमिक कार्यक्रमों को हम लोग बहुत ही प्रभावी ढंग से इस कोरोना काल में भी संचालित कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन मंडल में प्रोफेसर हर्ष डोभाल जी, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर राजेश भट्ट, डॉक्टर नरेश मिश्रा, जो इस कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजित किया जा सके और किस प्रकार प्रभावी ढंग से हम इन कार्यक्रमों का और देश और दुनिया के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष संवाद स्थापित कर सकें, इसको लेकर के प्रयत्नशील रहते हैं। मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों का स्वागत एवं विश्वविद्यालय को शैक्षिक गुणवत्ता के शिखर पर ले जाने की अपने विजन को हम सबके समक्ष साझा करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, थैंक यू सो मच पुरोहित जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस सेकेंड सेशन ऑफ फ्राइडे लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय दून यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम फॉर कॉम्बैटिंग कोविड 19 with particular reference to Himalayan region. It is my proud privilege to extend a warm welcome to each one of you on behalf of Dhun University. Especially, I feel honored and privileged in welcoming our today's chief guest, Sri Trivendra Singh Rawat ji, former Chief Minister of Uttarakhand, who is known for his honesty, dedication, commitment, simplicity, discipline, and hard work. Thank you so much, sir, for your kind consent to share your experience of combating COVID-19 pandemic as a chief minister and now as a public representative. Rohit ji ne kafi acche se elaborate kiya ki Dhun Vishwavidyalaya parivar vishesh roop se Shri Trivendra Singh Rawat ji ka hamesha rini rahega.
उसका कारण यह है कि स्थापना वर्ष 2005 में जब इसकी स्थापना हो रही थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र तिवारी जी थे, उस समय इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते आपने एक स्टैंड लिया था, क्योंकि बार बार ये बात बोली जाती थी कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो केंद्र है वो दूर पड़ता है हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद के महाविद्यालयों के लिए। लेकिन उस समय आपने इस बात के लिए स्टैंड लिया कि ये जिस विशिष्टता को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है वही आप चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन के लिए कम से कम दिल्ली और पंजाब राज्यों में ना भागें, और क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो हायर एजुकेशन का भी कोई एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। और आपने जो स्टैंड लिया वो स्वर्गीय श्री नरेंद्र तिवारी जी कई मंचों पर कहते थे कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते जो सपोर्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दिया वो उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे, और जब जब दून विश्वविद्यालय का जिक्र आएगा, आपकी इस विजन का भी जिक्र आएगा कि आपने इसको एक एफिलेटिंग स्वरूप से हटाकर एक ऐसी विशिष्टता प्रदान करने में अपना सहयोग उस समय दिया था कि जब भी हम कोई अपना कार्यक्रम करते हैं, कोई बात रखते हैं, तो एनडी तिवारी जी के साथ हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हमेशा जिक्र करते हैं, और यहाँ की फैकल्टी हमेशा बताती है कि किस तरह आपने आउट ऑफ वे जाके बहुत सारे लोगों का आपने उस समय विरोध भी सुना था, लेकिन आप अपने स्टैंड में कायम थे क्योंकि आप एक कमिटेड पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बने, आपने नित्यानंद जी जो आपके गुरु थे, जो इस क्षेत्र को बिलोंग नहीं करते थे लेकिन पूरे हिमालय की चिंता वो हमेशा करते थे, और उनका जो हिमालय का सुदूरवर्ती पहाड़ों के ग्रामीण अंचल जिसको आपने बहुत नजदीक से देखा था, और डॉक्टर नित्यानंद जी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत नजदीक से देखा था, उनके नाम पर आपने दून विश्वविद्यालय को चुना, तो आपके अंदर वही भाव था कि दून विश्वविद्यालय इसको एस्टैब्लिश कर सकता है। और इतनी बड़ी धनराशि, 22-23 करोड़ की धनराशि कोई छोटी नहीं होती राज्य सरकारों के लिए, और इतनी बड़ी धनराशि में आपने इतना बड़ा रिसर्च संस्थान दून विश्वविद्यालय को दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है और उसकी कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग तो आ गई लेकिन अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज होंगी जो पहाड़ के ग्रामीण जीवन को दुरह, जो उसकी दुरहता है, जो उसका हार्ड वर्क है और जो उसका कष्ट है, उसको कम करने में कोई एक अपनी भूमिका निभा पाए, इसकी हम लोग डे वन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे फैकल्टी मेंबर, बहुत सारे रिसर्चर जो हिमालय में रिसर्च कर रहे हैं, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है, और अभी हम इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगर जब वो पूरा होगा मैं स्वयं आपके साथ उसको शेयर करूंगी कि क्या ये भविष्य के लिए इसका एक मार्गदर्शन है। जहां तक इस फोरम की बात है तो प्रोफेसर एसपी सिंह साहब के साथ बात भी थी, उन्होंने कहा दून यूनिवर्सिटी को एक लीड लेनी चाहिए, हायर एजुकेशन संस्थानों को चुप नहीं बैठना चाहिए, केवल गवर्नमेंट के ऊपर सारा अपना दायित्व नहीं डालना चाहिए, और पता करना चाहिए कि COVID-19 पोस्ट जब बाद में हम इसका इफेक्ट आंकलन करेंगे क्या उस रिसर्च की हमारी तैयारी है, फौरी तौर पर हम राज्य सरकारों को क्या ब्लूप्रिंट दे सकते हैं, क्या उसकी तैयारी है। केवल ये कह देना कि यहाँ पर सरकार गलत कर रही है, हमको विकल्प सुझाने चाहिए और एक मैच्योर संस्थान की तरह बिहेव करना चाहिए। उनकी इस बात को हमने लिया और हमने एक फोरम की स्थापना की, दून यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम फॉर कॉम्बेटिंग COVID-19। और जैसा पुरोहित जी ने बताया कि हमें लगा कि अगर हमने इसमें देश विदेश के जो विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ना है तो हम इसको फ्राइडे को जोड़ेंगे 15 दिन बाद या हर हफ्ते। अभी तो हमने पिछले हफ्ते ही इसका इनॉग्रल किया और हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर और प्रोफेसर एसपी सिंह साहब ने इसका इनॉग्रल किया था, और बहुत ही अच्छा लेक्चर कार्डियोलॉजिस्ट हैं गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में, डॉक्टर मोहित गुप्ता, उन्होंने इतने अच्छे सॉल्यूशन के साथ जो स्पिरिचुअल भी थे जो साइकोलॉजिकल भी थे कि हमने उनका पूरा लेक्चर अपनी वेबसाइट में अपलोड किया है और वो सबको सुनना चाहिए। जितने लोग उसको सुन रहे थे उन सब ने कहा था कि ऐसे लेक्चर दून विश्वविद्यालय को जारी रखने चाहिए, और हम कई सोपानों पे काम कर रहे हैं, क्या वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ऑनलाइन टीचिंग ऐसे ही मोनोलॉग होना चाहिए, एक तरफ बोला जाना चाहिए, या उसके और संसाधन है। इसके लिए हमने स्वयं और MOOC
और जो नीपा केंद्र सरकार के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी हमने संपर्क साधा, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और काफी लोग आज हमसे जुड़े हैं। तो इस सबको देखते हुए जो हमें लगा कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि पहली लहर बहुत डैमेजिंग नहीं रही, तो उसका बहुत सा कारण ये भी था कि कौन सी ऐसे एरिया थे जिन पे बहुत समय रहते हुए काबू कर लिया गया था और वो उत्तराखंड में कम से कम गांव तक फैलने उसको नहीं दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और वो आज भी त्रिवेंद्र जी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने 550 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है बहुत कम दिनों में, और युवा उनके साथ हैं और बालिकाएं उनके साथ हैं। स्त्री शिक्षा पे और महिला उत्थान पे उनका पूरा 4 साल इतना जोर रहा कि बहुत सारी वो योजनाएं हैं, कभी और उनका जिक्र करेंगे, जो उन्होंने केवल महिलाओं के लिए की, जिसमें कि उन्हें सह खातेदार बनाया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप उनको कृषक का दर्जा भी नहीं दे सकते। माइग्रेशन इतना है कि वो अकेली है घर में और उसका स्टेटस ही नहीं है, उसका कोई आर्थिक उसका कोई से नहीं है। तो आपने इस चीज को महसूस किया और उसको सह खातेदार बनाया। आपके घसियाल कल्याण योजना जो आपने गैरसैंण में जिसको आपने घोषणा की उसकी, उसे सरकार आगे ले जाने की बात कर रही है और उन्हीं योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बहुत ऐसी योजनाएं थी, आपने सीधे महिलाओं को जो होम स्टे थे उनकी चाबियां सौंपी और बहुत सारे महिला ग्रुप अपना आत्मनिर्भर बने। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए, उस सबका जिक्र होता रहेगा। आपके विजनरी जो आपका मुख्यमंत्री काल था उसका हमेशा जिक्र होता रहेगा। मैं जो यहाँ पर और भी लोग हैं, आई एक्सटेंड माय वार्म वेलकम टू आवर कीनोट स्पीकर श्री अशोक सज्जनहार जी। ही इज फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कजाकिस्तान, स्वीडन एंड लातविया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन फॉर योर कीनोट एड्रेस इन दिस फ्राइडे सीरीज। Dr. Ashok Sajjanhar is an expert on Indo-China relationship, and we can see him off and on in the TV debates in various channels whenever these kind of issues occurred of our foreign policy or India's stand for China and lot of other things. He's there. So, what COVID-19 ka kya effect hone wala hai? Because sara power game hai, power construct hai pura world. So, jahan power hai, wahan log hai. So, wo jo power policy hai, uske upar aaj jo prakash dalenge aur COVID-19 ke is human crisis mein humko kitna satark रहना है कि जो पावर है, जो इंडिया का अपना एक स्थान है, वो स्थान बना रहे, इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दायित्व है कि वो हमेशा अपने शोध करते रहें और नए नए आयाम ढूंढते रहें। इस पे अशोक सज्जनहार जी का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। आवर टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर एस सत्यकुमार, ही साइंटिस्ट जी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ही इज सच एन एनर्जेटिक फेलो, I had a meeting with him in some occasions in Dune University. He is very good researcher and he's instrumental in promoting the collaborative research between Dune University and Wildlife Institute of India. Thank you so much, Dr. Satyakumar, for giving his kind consent to speak on certain possible research on bat or on pangolin. क्योंकि SP Singh साहब ने कहा था कि आप wildlife के किन लोगों को अपने इस forum में जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देहरादून में चमगादड़ों का आतंक देखा है और उन्होंने कहा कि जो FRI इंस्टीट्यूट है हमारा, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर जुलाई अगस्त में एकदम काला हो जाता है चमगादड़ों के कारण। तो अगर चमगादड़ COVID-19 को फैलाने के लिए एक बात की जा रही है, तो वाइल्ड लाइफ की उसमें क्या तैयारी है, हम आगे की रिसर्च क्या कर रहे हैं कि ये वायरस फर्दर कहीं यही इंस्ट्रूमेंटल तो नहीं है, क्या पूरी तरीके से यही काम तो नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें रिसर्च होनी चाहिए, इसके बारे में भी वो बताएंगे। और एक शैक्षणिक संस्थान और रिसर्च संस्थान से जुड़े होने के कारण उनकी भूमिका पर वो हमारे बीच में प्रकाश डालेंगे। आई ऑल्सो एक्सटेंड माई वार्म वेलकम टू द कोर मेंबर। मैं त्रिवेंद्र जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि हमने इस एकेडमिक फोरम में कुछ कोर मेंबर बनाए जिसमें प्रोफेसर एसपी सिंह साहब हैं, प्रोफेसर हेमचंद्र वाइस चांसलर एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, जो अपने पॉपुलर लेक्चर के माध्यम से और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कई फोरम में बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। प्रोफेसर सुनील जोशी वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जो कि आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने कई चीजें पेटेंट कराई हैं COVID-19 के दौर में, और उनका
काढ़ा बहुत फेमस हुआ था उत्तराखंड में, जो जिसने की पहली लहर में लोगों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन दिया था, वो हमारे साथ है। डॉक्टर धनंजय मोहन, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारी कोर कमेटी में है। प्रोफेसर के श्रीनिवासन, हेड नीपा, जो टेक्निकल असिस्टेंस हमको देंगे, जो अल्टरनेटिव वे ऑफ टीचिंग पे बात करेंगे, बच्चों के वर्कलोड ज्यादा ना पड़े, उनका मेंटल स्टेटस सही रहे, इसमें हम उनकी हेल्प लेंगे। डॉक्टर उन्नति गुलाटी इज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एंड कोर मेंबर ऑफ स्वयं एंड मूक, ये भी सारे ऑनलाइन कोर्सेस कैसे हमको देने हैं और कैसे हमको अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेंथन करनी है, वो हमारे साथ है। डॉक्टर नवनीत है, हेड डिवीजन ऑफ री कॉन्स्टिट्यूट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में है। और नवनीत जी इतने अधिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं कि मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से मुंसियारी से लेकर और उत्तरकाशी तक और चमोली के बीहड़ गांव तक पहुंचे हैं। उनका भी किसी फ्राइडे लेक्चर सीरीज में हमको मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे वो COVID-19 से कॉम्बैट करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर सुब्रत कुमार आचार्य हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर हेड गैस्ट्रोलॉजी है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। डॉक्टर अक्षय द्विवेदी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IIT रुड़की के हैं, और उन्होंने ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन बहुत सस्ते में उपलब्ध कराने की अपना एक पेटेंट IIT रुड़की ने किया है। वो हमारे बीच किसी फ्राइडे लेक्चर सीरीज में हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दून यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल, रजिस्ट्रार दून यूनिवर्सिटी, श्री नरेंद्र लाल जी, डिप्टी रजिस्ट्रार दून यूनिवर्सिटी, सबका सहयोग इस प्लेटफॉर्म को मिलता रहता है। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं और आगे भी कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसके लिए बनाई है, प्रोफेसर SC पुरोहित हैं, हर्ष डोभाल जी हैं, प्रीति हैं, राजेश हैं, नरेश हैं, बहुत सारे लोग इसमें हमें टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, साकेत हैं, उनकी टीम है। और हम जिस भी लोगों से संपर्क करते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी लेक्चर सीरीज में अपना मार्गदर्शन देते हैं और हमको लाभान्वित करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फोरम के माध्यम से, इस लेक्चर फ्राइडे लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इस ह्यूमन क्राइसिस में खाली हाथ रख के नहीं बैठ सकता, उसमें हम कुछ ना कुछ अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे जो भी इसके आउटकम्स होंगे। और हम हमेशा इसलिए गवर्नमेंट से रिलेटेड एक हमारे मुख्य अतिथि होते हैं कि वो उस बात को समझते हैं, क्योंकि हर फोरम में, स्पेशली सोशल मीडिया में, गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक करते हैं अपने संस्थान को और सोसाइटी से भी लिंक करते हैं, तो इन तीनों की समस्या को आप समझ सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके जो भी आउटकम होंगे, हम उनको पॉइंट वाइज, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री तीरथ सिंह रावत जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये हमारे लेक्चर सीरीज के आउटकम थे, साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के व्यू, और इनको वो अपने प्रोटोकॉल में और अपनी जो उनकी योजना है उसमें शामिल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स दून विश्वविद्यालय परिवार के साथ इसी तरह से बनी रहे। और आप हमेशा जब मिलते हैं तो आप विश्वविद्यालय के बारे में बहुत पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, कोई न्यूज छपती है तो आप उसके बारे में पूछते हैं ये क्या इनिशिएटिव है, और आपका इतना सकारात्मक दृष्टिकोण इस परिवार के बारे में बना रहता है, इतना सहयोग बना रहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय आपके सपनों के अनुसार अपनी विशिष्टता को आगे ले जाएगा और भारत के नक्शे में और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में शिक्षा जगत में एक स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए, और आपने बिल्कुल सही तरह से दून विश्वविद्यालय के संदर्भ में अपने विजन को रेखांकित किया। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि कृपया जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को कृपया म्यूट रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में थोड़ी ये दिक्कतें तो आती ही हैं, लेकिन आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है। और जैसा मैंने जिक्र किया, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जन जन के लोकप्रिय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके दो अर्थशास्त्री हुए,
एक का नाम था थॉमस जॉन सार्जेंट, इन्हें 2011 में मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल, और एक थे लार्स पीटर हंसेन, इनको मिला 2013 में। तो दोनों सार्जेंट और हंसेन ने 2001 में एक शोध संचालित किया और उस शोध में उन्होंने यह सिफारिशें की कि गवर्नेंस का जो उत्कृष्ट मॉडल हो वह अनसर्टेनिटी के दौर में ही पकड़ा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और अनिश्चितता के दौर में जब जो अदृश्य चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से हम कम कर सकें कि जन की माल की हानि को कम हो, न्यूनतम नुकसान हो और हम उस चुनौती को पार पा सकें। आज कोविड 19 इस पेंडेमिक के दौर में सार्जेंट और हंसेन के उस गवर्नेंस मॉडल को जब मैं याद करता हूं तो मुझे 4 वर्ष पुराने आपके कार्यकाल के वो पूरे गवर्नेंस मॉडल याद आते हैं जिसके केंद्र बिंदु में आपकी ट्रांसपेरेंसी, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस रही। TSR यानी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के तहत आपने ट्रांसफर एक्ट सबसे पहले जीरो टॉलरेंस के तहत आपने संचालित किया और आज ट्रांसफर एक जो बहुत बड़ा उद्योग था राज्य में बहुत प्रभावी ढंग से उस पर नियंत्रण हुआ है। CM हेल्पलाइन 1905 और सबसे बड़ा जो आपने ई गवर्नेंस को प्रमोट किया, ई कैबिनेट, ई टेंडर, ई ऑक्शन, और इसके तहत आपको 2020 में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा उत्तराखंड सरकार को बेस्ट प्रैक्टिसेस में ई कैबिनेट के संचालन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का 2020 अवार्ड दिया गया। ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के तहत आपकी नीति पारदर्शी सरकार, पारदर्शी शासन व्यवस्था के तहत रही। जो सेंसिटिविटी थी सरकार की, जो संवेदनशीलता व्यक्तिगत रूप पे तो थी ही, लेकिन एक गवर्नेंस के रूप में आपने अटल आयुष्मान योजना जो निःशुल्क 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए था पूरे राज्य के नागरिकों के लिए आपने वो ओपन किया और सब पे लागू किया। आपने ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से जो क्षेत्रीय उत्पाद थे, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रहा कि हमको लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल बनना पड़ेगा, आपने उनके लिए ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराए, उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अवसर उपलब्ध करवाए। शहीदों के परिवारों के लिए आपने प्रत्येक एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का जो आह्वान किया तो शहीदों के लिए वो एक सच्ची श्रद्धांजलि आपकी संवेदनशीलता को उजागर करती है। किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए मिट्टी से बाजार तक की जो आपकी योजना थी, और सबसे बड़ा संवेदनशीलता का जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, राज्य के जो करोड़ों करोड़ हमारे हजारों जो आंदोलनकारी थे उन जन जन की आकांक्षाओं के अनुरूप गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित किया, यह सबसे बड़ी संवेदनशीलता आपकी सरकार की रही। और जो तीसरा सबसे बड़ा गवर्नेंस का मॉडल था रिस्पॉन्सिव सरकार, उस रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के तहत आपने पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार पलायन को रोकने के लिए, पलायन तो पूरे देश और दुनिया की समस्या है लेकिन पलायन आयोग सिर्फ उत्तराखंड में आपने गठित किया और वह पिछले 4 वर्षों से उनके कारणों और उनके कारकों पर अध्ययन कर रहे हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, उत्तराखंड टूरिस्ट का, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और आप इस बात को बखूबी जानते थे और इसलिए आपको मालूम है कि नैनीताल और मसूरी में क्योंकि सेचुरेशन हो चुके हैं जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे पिछले कई दशकों से, कई वर्षों से, आपने 13 डिस्ट्रिक्ट में नए डेस्टिनेशन यानी रोजगार सृजन की दृष्टि से, होम स्टे योजना लागू करने की दृष्टि से आपने उस पर कार्य किया। इसके अलावा हिमालय बचाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमालय न सिर्फ राष्ट्र की एक हमारी समृद्धि का परिचायक है बल्कि जीविका का भी बहुत बड़ा एक स्रोत है। देश के बहुत बड़ी प्रतिशत जनता, 40% से भी अधिक लोग हिमालय के पर आश्रित हैं, चाहे जल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, और इसलिए हिमालय बचाने के लिए जो मसूरी संकल्प पत्र था जिसमें हिमालय राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को आपने आमंत्रित करके उसकी पहल की और आपके नेतृत्व में ये प्रभावी ढंग से लागू हो पाई। इस प्रकार और भी कई कार्यक्रम आपने संचालित किए जिसमें उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला। टिहरी की नथ जो आलिया भट्ट थी, आपके आवास में रह करके उन्होंने उसकी मांग की और आपने उसको बखूबी गिफ्ट स्वरूप वो भेंट उनको प्रदान किया। इस प्रकार के कई छोटे बड़े कार्यक्रम थे। आपने कोरोना काल से पहले इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया और कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो पलायन कर चुके थे ह्यूमन रिसोर्स विभिन्न औद्योगिक नगरों से अपने गांवों की ओर जो रुख कर रहे थे उनको किस प्रकार से उनका स्किल मैपिंग हो और उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके, आपकी सरकार उसके लिए और आप पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति उत्तरदायी रहे।
इस प्रकार से जो सार्जेंट और हंसन का जो 2001 का जो मॉडल था गवर्नेंस का, अनसर्टेनिटी के दौर में, अनिश्चितता के वातावरण में किस प्रकार से प्रभावी गवर्नेंस एक सरकार कर सकती है, आपकी सरकार ने पूरे 4 वर्ष के कार्यकाल में ट्रांसपेरेंसी, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस के इस TSR गवर्नेंस मॉडल पर कार्य करते हुए किया। आपका यह मॉडल हमेशा गवर्नेंस के लिए एक पर्याय के रूप में आगे भी प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार आज हम सबका सौभाग्य है कि TSR गवर्नेंस मॉडल के जनक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी जननेता, लोकप्रिय नेता माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बड़े आदर एवं सम्मान से माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपना संदेश हम सबके समक्ष साझा करने हेतु आमंत्रित हैं। माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा दून यूनिवर्सिटी को और वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी को कि उन्होंने फ्राइडे लेक्चर सीरीज ये शुरू की है और उसका जो विषय वस्तु है वो है दून यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम फॉर कॉम्बेटिंग COVID-19। एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है रेखा जी, और आपकी जो टीम है पूरी, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आज यहाँ पर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अशोक सज्जन हार्दी, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर एस सत्य कुमार जी, और मंच का जो संचालन कर रहे हैं प्रोग्राम का ऐसे प्रोफेसर हरिश्चंद्र रोहित जी, तमाम हमारे पूर्व कुलपति, बहुत ही हमारे पहाड़ के बहुत ही हितैषी, और डॉक्टर SV सिंह जी, और तमाम इसमें मैं नाम सुन रहा था देश के जाने माने हस्तियां इस प्रोग्राम में जुटी हुई हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी शुरुआत जो बुद्धिजीवियों में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के जो दायित्व तो है उसको आप बहुत बेहतरीन से निर्वहन कर रही हैं सुरेखा जी, आपकी टीम को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। COVID-19 की मैं शुरुआत की बात करूं तो वास्तव में कहीं कोई परिकल्पना नहीं थी ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जब यूरोपियन कंट्री में इसको लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई थी, तमाम हालात पर चिंता व्यक्त की जा रही थी, तो इस दौरान 8 या 9 मार्च को मुझे एक हमारे कार्यकर्ता ने संदेश किया कि नेपाल में भी एक COVID-19 का केस सामने आया है, और क्योंकि उत्तराखंड का नेपाल से बहुत ज्यादा निकटता है, हमारे यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वहां पर कोई वीजा का कोई प्राविधान नहीं है, और ऐसे में नेपाल से भारत में संक्रमण की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। और मैंने तत्काल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने कहा भाई सीमाओं पर चौकसी बढ़ाइए, भारत नेपाल सीमा पर। मैंने अपने गृह सचिव को तुरंत बातचीत किया और इस पर हमने कार्रवाई शुरू करी, और 15 मार्च को उत्तराखंड में प्रवेश हो गया COVID-19 के पेशेंट्स, हमारे कुछ लोग विदेश गए थे उनके माध्यम से यहाँ पर COVID-19 का प्रवेश हुआ। हम लोग किस स्थिति में थे मैं आपको थोड़ा कुछ आंकड़े उस समय के रखना चाहूंगा, तो उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ पर थे मार्च 2020 में और मार्च 21 में हम कहाँ पर पहुंचे हैं कोविड की तैयारी की दृष्टि से। तो आप देख लीजिए, हमारे पास कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई हॉस्पिटल इसके लिए नहीं था, कोई हमारे पास कोविड हेल्थ सेंटर इसके लिए नहीं था, और ना कोई CCC था, कोविड केयर सेंटर कोई भी हमारे राज्य में इस ढंग से तब कोविड था ही नहीं, तो शून्य हमारी तैयारी थी कहना चाहिए, या हम शून्यता पर हम लोग थे उस समय। लेकिन आप ये देखिए कि मार्च 1 साल के अंदर अंदर हमने कुछ तो तत्काल ही किए, 11 हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, उसको हमने कोविड केयर हेल्थ सेंटर के रूप में, ऐसे हमने 27 कोविड केयर सेंटर
ये हेल्थ सेंटर ये हमने राज्य में तुरंत तत्काल बनाए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर पर ट्रिपल सी कोविड केयर सेंटर, ऐसे हमने 422 सेंटर हमने राज्य में स्थापित किए। अगर उस समय हम आइसोलेशन बेड की स्थिति देखें तो हमारे पास मात्र 1200 थी, और हमने इसको 31,000 से ज्यादा हमने इसकी तैयारी की। और मुझे याद है जब मैंने एक ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में बात कही तो तमाम मीडिया ने मेरी बहुत बुराई की कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 25,000 लोगों के लिए तैयारी की है, क्या इतने पेशेंट उत्तराखंड में होंगे, क्या ये स्थिति होगी, क्या मुख्यमंत्री इसकी प्रतीक्षा करें, तमाम तरह की आलोचना उस समय मेरी हुई। लेकिन हमने उस आलोचना की परवाह नहीं करी और हमने सीधा 1200 से 31,313 आइसोलेशन बेड हमने तुरंत निर्माण करे। ऑक्सीजन सपोर्ट बेड उस समय राज्य में केवल 673 थे, आप कल्पना करिए। और हमने एक साल से भी कम समय में, जब कोविड पीक पर चल रहा था, तो ये कहेंगे 6-7 महीने में ही हमने इसको 3,300 से भी अधिक हमने ऑक्सीजन बेड उस समय बनाई। आईसीयू हमारे पास केवल 216 थे राज्य में, आप कल्पना करिए क्या राज्य की में उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, 216, और इसको हमने 216 से 780 पहुंचाया। यद्यपि हमको उस समय जरूरत नहीं पड़ी आईसीयू बेड की, ऑक्सीजन बेड से ही काम चल गया, लेकिन फिर हमने उसको 216 से लगभग 4 गुना हमने इसको बढ़ाया। जो वेंटिलेटर की स्थिति थी, 116 वेंटिलेटर हमारे राज्य में कुल थे उस समय, जो 690 हमने किए। ऑक्सीजन सिलेंडर केवल 1200 से भी थोड़ा कम हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, और जिनको हमने 10,000 पहुंचाया। ऐसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर हम देखें तो 275 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राज्य में थे, जो लगभग 6 गुना हमने इनको बढ़ाया। एम्बुलेंस हमारे पास 214 थी, हमने उसको 360 किया। ऐसी तमाम अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की एबिलिटी हमारे पास उस समय 7.39 टन थी, और आज हमारे पास 123 से भी बढ़कर 183 एमटी हमारे पास हो गया। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, अगर मैंने डेटा इसलिए आपके सामने रखा कि हम वहाँ उस समय जब कोविड का प्रवेश उत्तराखंड में हुआ, हम कहाँ पर खड़े थे और किस तरीके से युद्ध स्तर पर उसके लिए जो प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तैयारियां की जानी थी, बहुत तेजी से हमने उसमें काम किए, और जिलाधिकारियों को विशेष अधिकार दिया गया। जो जितने भी अस्पताल हैं, हमको लगा कि हमारे डॉक्टर्स को जो है और जितने भी हमारे मेडिकोज हैं, इनको केवल और केवल स्वास्थ्य की सेवाओं पे इनको लगाया जाए, इस स्वास्थ्य को देखें। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो वहाँ पर तमाम तरह की जो सामान की सप्लाई होनी है, उसके टेंडरिंग करनी है, इसको हम प्रशासन को हम सौंपे। हमने जिला मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया, ताकि डॉक्टर अपना काम करें, नर्सेज अपना काम करें, और प्रशासन उनको जो मदद की जरूरत है उनके साथ प्रशासन खड़ा। इसके अलावा हमने जो देखिए 15 मार्च को पहला पेशेंट आया, और देश में पहला राज्य उत्तराखंड बना जब हमने वर्क फ्रॉम होम, ये हमने 17 मार्च को हमने वर्क फ्रॉम होम का आदेश कर दिया, और तमाम काम हमने घरों से ही, तमाम जो सरकारी कार्य हैं, राजकीय कार्य हैं, उनको हमने शुरू करवाया। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश में जनता कर्फ्यू का और लॉकडाउन का, उन्होंने एक दिन के लॉकडाउन का आह्वान किया, और फिर उन्होंने 23 तारीख को कहा कि फिर 25 तारीख से एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर होगा। और उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य देश में जिसने 23 तारीख यानी 22 की शाम से ही हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने 3 दिन पहले ही लॉकडाउन कर दिया। हमको ये लगा कि आज हम थोड़ा सा सख्ती करेंगे, थोड़ा आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन जनजीवन को अगर बचाना है, इसकी जो भयावहता से हमको अपने स्टेट को बचाना है, तो हमने आर्थिक नुकसान भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं है, और कुछ सख्ती करनी पड़े तो सख्ती हमने राज्य में। और इस तरह से हमने इसको प्रधानों को हमने अधिकार दिए, गांव में हमने क्वारंटीन सेंटर बनाए, स्कूल है, पंचायत घर है, इंटर कॉलेज है, जो भी नजदीक है, और गांव प्रधानों को हमने इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व किया पंचायती राज विभाग, क्योंकि सरकारी तंत्र वो एक उनकी लिमिटेड संख्या है।
और अगर इसमें समाज इन्वॉल्व हो जाता है, समाज इसको अपने आप काम समझने लगता है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको अनुपालन में एक बड़ी भूमिका समाज की हो जाती है और उसको एक बहुत सरलता से फिर हम उस काम को कर सकते हैं। और मैं तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान गणों से लेकर के जिनकी भी शहरों में हमारे पार्षद होते हैं, सभासद होते हैं, उन्होंने जिस तरह से भूमिका निभाई, चाहे लोग जब घरों की ओर वापसी हुई, जब फैक्ट्री बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, तो जो लोग गरीब लोग थे उनको खाना पहुंचाने का काम अपने घरों से लोगों ने खाना बना बना कर भेजा, उसमें हमारी जो फ्रंट लाइन है, पुलिस हो, हमारे डॉक्टर्स हों, डॉक्टर तो सेवा कार्य में अस्पतालों में लगे, लेकिन हमारी आशाएं हैं, आंगनबाड़ियां हैं, हमारे अध्यापक हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जो भूमिका निभाई वो एक उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए उदाहरण बने हैं और एग्जाम्पल कोड हुए हैं, आगे उससे हमको आगे भी इस व्यवस्था को और इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसको समझाने में हमको सुविधा होगी। क्योंकि उस समय जो मुख्य जो प्रसार का केंद्र बना था, आपको ध्यान होगा, निजामुद्दीन मरकज दिल्ली में, वहां पर उस समय मरकज चल रही थी और बड़ी संख्या में देश और दुनिया से उसमें तबलीगी जमात वहां पर आई थी। और ऐसे हमको इंटेलिजेंस से 150 लोगों की खबर मिली थी कि 150 लोग उत्तराखंड से वहां पर थे, लेकिन जब हमने उसका ट्रेसिंग किया, ट्रैकिंग किया, तो ये 500 से ज्यादा लोग निकले। अब हमने हमको क्योंकि इसको रोकना था, हमने तमाम तरह के एहतियात जहां बरतने थे वहीं हमने डिसास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अधीन हमने तमाम तरह के मुकदमे भी दर्ज किए और जो लोग उसका अनुपालन नहीं करते थे उस पर दंड का भी प्रावधान किया। लेकिन हमने एक चीज की, हमने कहा भाई देखिए हम 200 रुपए जुर्माना लेते हैं, हम हर किसी को जिसे जुर्माना लेते, जुर्माना लेना अपना मकसद नहीं है, एक तो समझ लेना चाहिए। हमारा मकसद है इसके जो ये COVID-19 है इसके प्रसार को रोकना, और इसलिए हम मास्क दें, पुलिस वाले 4-4 मास्क उनको दें, और हमने तमाम जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं उनके थ्रू हमने, क्योंकि मास्क भी मार्केट में उपलब्ध नहीं था, आपको याद होगा N95 125 रुपए का N95 मिलता था, बाकी सर्जिकल मास्क जो 1.5-2 रुपए का होता है वही 8-10 रुपए का मास्क, उस समय इतनी मारामारी हो गई। लेकिन हमने विकल्प के रूप में हमने जो अपने आंगनबाड़ियां हैं उनको थोड़ा इनकम भी हो जाएगी और उनसे मास्क में हमने ये मास्क बनाने शुरू किए और धीरे धीरे हमने देखा कि तमाम फैक्ट्रियां भी यहाँ पर लग गई, सैनिटाइजर बनाने वाले यहाँ पर कोई नहीं थे तो तमाम हमने सैनिटाइजर बनाने वाली जो बना सकते थे उनको बिल्कुल कहना चाहिए बिना समय गवाए हमने उनको ये सब कुछ किया। और उसके कारण हम इस पूरे जो फर्स्ट फेज था इसका, इसको हम काफी हद तक, और देश में हमारा नाम रहा कि हमको काफी हद तक हम उसको रोक पाने में सफल रहे, हमको अच्छा यश भी उसमें मिला, मोर्टेलिटी के हिसाब से हो, प्रसार की दृष्टि से हो, हमने उसको काफी उसको नियंत्रित कर पाने में हम लोग सफल हुए और एक स्टेट को एक अच्छा उसमें नाम भी हमको उसमें मिला। जो बॉर्डर थे उन पर काफी सख्ती उस समय हम लोगों ने की और एक तरह से जो फेज टू की कल्पना नहीं थी, लेकिन फेज टू के लिए जो आधारभूत जो आवश्यकताएं थी ये उस समय उस दौरान तैयार हो गई और फेज टू हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। लगभग वो भी काफी कंट्रोल हो गया है, काफी नुकसान हुआ है इसमें, तो स्वीकार करने में मैं समझता हूँ कोई हिचक नहीं करना चाहिए और इसको हमको फ्यूचर के लिए हमको इससे सीखने की आवश्यकता है। इससे अगर हम फ्यूचर के लिए सीखते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत इससे आगे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है पिछले 700-800 सालों में कि हर 100 साल में इस तरह की महामारी आ रही, और अगर ठीक से डाटा हम लोग कलेक्शन करेंगे तो फ्यूचर के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी अगर हम कुछ देकर जाएं अपने अनुभव, ताकि आने वाली जनरेशन, क्योंकि हम तो क्षणभंगुर है, मनुष्य तो ये जीवन तो चला जाएगा लेकिन मनुष्य ने तो रहना है, नई जनरेशन आएगी, नई पीढ़ियां आएंगी, तो उनको इस अनुभव से वो अपने आप को बचा सके, उस दृष्टि से ठीक से जो डाटा कलेक्शन है वो होना चाहिए, ये मैं जरूर इस अवसर पर कहना चाहूँगा। अब टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण से काफी रोकथाम हुई है, देश में लगभग 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है और इस माह जून अंत तक ये उम्मीद की जा रही है कि
टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी और 4-5 कंपनियां और तैयारी कर रहे हैं, तो अगस्त के महीने में संभावना की जा रही है कि टीके की कोई कमी देश में नहीं होगी। जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी अनुमति दे रहे हैं और अपने राज्य में भी अपने देश में भी कुछ उनका निर्माण का काम बनाने का काम हमारी फार्मा इंडस्ट्री उसको शुरू कर देगी और साल के अंत तक दिसंबर 21 तक ये उम्मीद की जा रही है कि देश की अधिसंख्य आबादी ये वैक्सीनेशन इनका हो जाएगा। अब हमारे सामने जो तीसरी लहर की बात हो रही है, तीसरी लहर बड़ों पर बुजुर्गों का पहले टीकाकरण हो गया, जो युवा हैं जो 18 से 44 वाले उनका चल रहा है, अभी जो हमारी अगली जनरेशन यानी कि जो हमारे बच्चे हैं उसके लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और स्वाभाविक रूप से जो इस वायरस का अगला अटैक होगा वो उनके ऊपर होगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन अगर हम इस दौर को समझें कि पिछले साल जब 2020 का जब पीक हुआ था कोविड का, वायरस का जो प्रकोप जब बहुत तेजी से बढ़ा था, तो वो सीजन फ्लू का सीजन होता है, आप थोड़ा याद करिए सितंबर अक्टूबर का महीना, और फिर दूसरा जो सीजन होता है फ्लू का ये मार्च अप्रैल का होता है। अब सेकेंड वेव का देखिए आपकी मार्च अप्रैल में ये शुरुआत हुई और अप्रैल मई में ये पीक पर चला गया और मई आखिर अंत आते आते ये फिर स्लो डाउन हो गया, नीचे की तरफ चला गया, यानी कि नियंत्रण की स्थिति में आ गया। पहले फेज में देश में लगभग 500 से अधिक 525 के करीब डॉक्टर हमारे शहीद, पैरामेडिकल स्टाफ वहां, वो एक लगभग एक साल का पीरियड था। इस बार अगर हम देखें तो 1.5-2 महीने में 700 से अधिक डॉक्टर और उसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ उसकी शहादत हुई, 700 से अधिक डॉक्टर, जहां डॉक्टर्स का पहले ही अभाव है वहां पर इतने डॉक्टर्स का चले जाना, 1200-1300 डॉक्टर का चले जाना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हानि, अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो बहुत बड़ी क्षति है, विशेषकर वो तबका जो हमारा गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। उत्तरकाशी जैसा जनपद जहां पर जिला चिकित्सालय के अलावा कोई दूसरा प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही नहीं, ऐसे देश में अनेक जनपद है, ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है, कमजोर जिले हैं जहां पर फैसिलिटी नहीं, और यही स्थिति अगर हम देखें इस समय जो थर्ड लहर की जो बात हो रही है, अगर ये थर्ड लहर आती है तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा पर्वतीय भूभाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बहुत अभाव है, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी अभाव है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जब मैंने 2017 में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली, मैंने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा, 1034 डॉक्टर हमारे पास थे और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री से हटा उस दिन लगभग 2600 के करीब डॉक्टर हमारे राज्य में थे। लेकिन जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, विशेषकर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, इनका हमारे पास अभाव आज भी बना और पहाड़ों में कोई विकल्प भी नहीं। अगर हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ऊधम सिंह नगर की बात करें या नैनीताल की तराई की बात करें, तो यहाँ पर प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हमारे पास, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, बहुत बड़े अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी जो को जिसको गवर्नमेंट का सहारा चाहिए, गवर्नमेंट अस्पतालों से ही जो उसके लिए वही परमेश्वर है, परमात्मा है, उनके लिए एक जरूर हमारे सामने एक चैलेंज है। इसके बारे में सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमको, जैसे हमने पिछली बार कोविड पहले उसमें हमने प्राइवेट अस्पतालों को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पर हमने तमाम बेड्स वहाँ पर एक्वायर की, उनको हमने वेंटिलेटर दिए, तमाम तरह की सुविधाएं हमने उनको दी कि आप भी हमको पेशेंट आपको रखना है, इतना सीट आपको गवर्नमेंट के रिजर्व रखना है, और उनको सहयोग किया। इस जो थर्ड वेव की जो हमारी जो एक परिकल्पना है अभी जो हम कल्पना कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा और ऊपर जो पहाड़ों में जो हमारे पास विकल्प नहीं है, हमको उनके लिए भी
इन चार जनपदों में ही विशेष रूप से ध्यान देना। सरकारी अस्पतालों में निकू वार्ड हो, पिकू वार्ड हो, ये बन रहे हैं। दूसरी बात, जो बच्चा है, अगर माना छोटा बच्चा है, वो माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ के से दूर नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि हम बच्चे को माँ से कैसे दूर करें। माँ बच्चे से दूर रह पाएगी क्या? और इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि मैं कोई वैज्ञानिक न हूं, न मैं कोई डॉक्टर हूं, और न मैं इसके बारे में मेरी कोई बहुत गहरा अध्ययन है, लेकिन मुझे जो लगता है अभी भी जो हम देख रहे हैं बच्चों पर कितना इसका असर हुआ है, ईश्वर की कृपा है कि बच्चों पर इसका असर कम हुआ है। जब हमारे यहाँ जो वरिष्ठ लोगों को, नागरिकों को टीकाकरण हो जाएगा, यूथ को टीकाकरण हो जाएगा, तो मुझे संभावना लगती है कि काफी कुछ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है, जो मैं सुनता हूं, मैं जो बातचीत करता हूं, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसका भी हमारे जो बच्चे हैं उन वो नियंत्रित होंगे। लेकिन एक मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोलना चाहता हूं कि आज भी एक वर्ग ऐसा है जो टीकाकरण नहीं करा रहा। मेरा आशा आप लोग समझ रहे हो। इसके लिए सामाजिक दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही फिर स्प्रेडर का काम करेगा। जो वर्ग आज ही बच रहा है, मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने आज कह दिया कि जो कर्मचारी टीका नहीं लगाएगा उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान जैसे देश ने आज कह दिया उनको तनख्वाह नहीं देंगे। इस पर हमको विशेष ध्यान देना होगा। एक तरफ हमको अवेयरनेस करनी होगी सामाजिक स्तर पर, तमाम सामाजिक संगठन, एनजीओ, हमारी जो सरकारी तंत्र है, प्रचार तंत्र है, उसके माध्यम से हमको करना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों को इस तरह की बहस समाज में व्यापक रूप से करनी होगी कि भाई देखिए, ये आपका अकेला नुकसान नहीं, ये समाज का नुकसान, ये आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान रिस्क आप ले रहे हैं, और इसलिए इसको करना चाहिए। सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी और जो सामाजिक संगठन है उनको जागरूकता करनी होगी, तो हम थर्ड वेव को काफी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। बहुत अच्छा विषय है इसमें, सज्जन हार जी बोलेंगे, मैं समझता हूँ कि जो कहा है कि पोस्ट कोविड भारत की स्थिति बहुत हमारे अवसर हैं। जिस तरह से वैश्विक स्थिति बन रही है उस पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनको बोलना है। मैं जरूर सुरेखा जी से मैं उस लेक्चर को बाद में लूंगा, उसको सुनूंगा मैं, रोहित जी करें चाहे सुरेखा जी करें, मैं सज्जन हार जी का, कि हमारे लिए भारत के लिए किस तरह के अवसर, और जिस तरह से चाइना पर दुनिया का दबाव बन रहा है, ऐसे में भारत के लिए किस तरह के अवसर है, मेरी स्टेट भी उससे लाभ उठाएगी। मैं आप सबका एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूँ। दून यूनिवर्सिटी का मैं बहुत, उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी सीरीज, और आपने इसको सीरीज के रूप में हर शुक्रवार पाठ को कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं सरकार का भी मार्गदर्शन। सर, माय नेम इज अरुण कुमार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे। जी सर, हम लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में COVID-19 सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और पिछली बार मैक्सिमम केसेस 98,000 आए थे पर डे, ये हमारा पीक था। लेकिन इस बार एज ए कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी और एज ए कंपोनेंट हम लोगों से ऐसी क्या गलती हो गई कि ये इतना विकराल इसका रूप हो गया, और जब तक कुछ समझ में आता उसके पहले ही इतना डैमेज हो गया जो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन सच बात तो यह है, सच्चाई देखिए, हमको किसी न किसी फोरम पे सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। सच बात यह है कि हम लापरवाह हो गए थे, हमको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और ये परिकल्पना नहीं थी किसी को कि इस तरह से ये स्प्रेड। जो मैंने देखिए, मैं अगर आप मेरे उस समय के भाषण सुनेंगे या मेरी बाइट अगर आप कहीं आपको मिलेगी, तो मैंने जब स्थिति संभल रही थी और संभल गई थी,
तब भी मैंने ये कहा स्थिति संभली है लेकिन हालात अभी बने रहेंगे जब तक टीका नहीं आता, जब तक कोई औषधि तैयार नहीं होती, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको अपनाना ही चाहिए। हम उस चीज को भूल गए, हम भीड़ इकट्ठी शुरू हो गई, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया, हमने शादी ब्याहों में तमाम तरह के जो भीड़ इकट्ठी वाले जो प्रोग्राम है वो हमने करने शुरू कर दिए। मैं ऐसा बताऊंगा, अशोक जी बताया शायद आपने अपना नाम, मैं बड़ा कष्ट होता है और मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन ऐसे मैं अनेक केसेस देखता हूँ कि शादी में लोग सम्मिलित हुए, एक टेबल पर 8-10 लोग बैठे, क्या बोलते हो कॉकटेल पार्टी क्या क्या की, और एक टेबल पर जो 9 लोग बैठे थे उसमें से 7 मर गए भाई साहब, 7 की डेथ हो गई एक टेबल पर, एक डेथ अभी परसों ही हुई। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा अवेयरनेस, जागृति, जागरूकता ये बहुत जरूरी है। खाली डंडे से भी काम नहीं चलेगा, खाली नियम बनाने से भी काम नहीं चलेगा, खाली सरकार को गाली देकर भी काम नहीं चलेगा, हमको उसके अनुसार चलना होगा टीकाकरण के बाद भी, क्योंकि टीका कितने दिन एंटीबॉडी डेवलप रहेगी शरीर में, किसी की 8 महीने की अवधि बताते हैं, किसी की 12 महीने बताते हैं, और अभी तो एक तरह से जागरूक रहने की जरूरत है, आगे भी जागरूक रहने की जरूरत है। और कोई सवाल है? कोई सवाल हो तो पूछे। सर नमस्कार जी। हाँ अमित बोलो। सर नमस्कार, मुख्यमंत्री महोदय को इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से आभार। सर मेरा एक छोटा सा सुझाव व एक प्रश्न दोनों है सर। क्या आज की परिस्थिति में सर उत्तराखंड शासन टीकाकरण को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या जो है फेस कर रही है सर? बेसिकली कल मैं दो मुख्य बिंदु पर पढ़ रहा था सर। चमोली जिले के अंतर्गत 2 ग्राम आते हैं, एक है दुमक और दूसरा है सर कलगोत। इन गांवों के लोगों को सर अपने टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए करीबन 35 किलोमीटर का मार्ग जो है वो तय कर आना पड़ता है सर, जिसमें 10 किलोमीटर का मार्ग ट्रैकिंग का है मतलब पैदल, तत्पश्चात उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने व जोशीमठ बाजार जो कि तत्कालीन केंद्र है वहां तक आने तक के लिए इनको 35 किलोमीटर सर की जो दूरी है तय करनी पड़ती है। तो आज की परिस्थिति में हम कहते हैं सर कि टीकाकरण के लिए जागरूकता बढ़ानी है सर, जागरूकता के साथ लोगों की कठिनाइयां कम करना क्या ये उद्देश्य होना चाहिए? नहीं, आपका देखिए ये कुछ गांव ऐसे हैं जो वास्तव में उनमें अभी भी जो सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की होनी चाहिए वो नहीं है, पर बहुत बहुत कम गांव ऐसे हैं, बहुत कम, मैं आपको बता दूं, और बहुत छोटे छोटे गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हमारे 98% गाँव इससे आच्छादित हुए, लेकिन हाँ ये अपवाद है, और इसलिए वहां पर हमारा जो वैक्सीन है भारत में बना हुआ उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से वैक्सीन की उपलब्धता, मैंने शुरू में ही अपने भाषण में बोला है कि अभी जून लास्ट तक हमारे पास वैक्सीन की मात्रा बढ़ेगी, अभी कल भी यहाँ पर अच्छी एक खेप आई है, और धीरे धीरे अगस्त आते आते ये पर्याप्त मात्रा में, अगस्त के महीने में हमारे पास ये संभावना की जा रही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगे, शायद तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और ऑफलाइन भी ये काम शुरू हो जाएगा। और इसलिए थोड़ा सा भी देखिए, सब जगह एक साथ नहीं पहुंचाया जा सकता, 135 करोड़ की आबादी इस देश, और ऐसे में टीका अगर हम एक साथ उपलब्ध कराने की बात सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा सोचना उचित नहीं होगा। हाँ, हमको उस दिन और एहतियात बरत करके और ये काम करना चाहिए ताकि तब तक हम बचे रहें जब तक टीका वहां तक पहुंचता है। मैं समझता हूँ कि अब कुछ दिन और इंतजार के हैं तो इंतजारी करेंगे तो स्थितियां फिर सामान्य हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने टेप में एक प्रश्न जी। हेलो जी 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 सर, मैं डॉक्टर प्रशांत तपलियाल भारतीय सैन्य अकादमी से जी, और मेरा बचपन तो पहाड़ों में बीता, पहाड़ों में मैं पढ़ा हूँ सर जी, और जो मेरा
जो पीड़ा इस समय है पलायन को लेकर के, वो इसलिए भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसे बिंदु हैं जिसे हम लोग पहाड़ों में बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से हमें उपलब्ध नहीं है, तो क्यों ना ये दो बिंदु हैं, ये पूरे ही भारतीय समाज के लिए, हम भी अभी भी मेरा मानना है कि हम लोग जो इन पर खर्च कर रहे हैं जीडीपी का वो बहुत ही अल्प हिस्सा है, तो क्यों ना ये बिंदु पर हमेशा भविष्य में भी इस तरह कार्य किया जाए कि हम लोग जो है इसको व्यापक पैमाने पर वो महत्व दें और इस पर कार्य करें। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो 1034 डॉक्टर हमारे पास, आज हमारे पास लगभग 2600 डॉक्टर आज हमारे पास है, नर्सेज की भर्ती करी, मैंने वो भी दिखा, डाटा भी आपके सामने रखा कि हमारे पास कितने उस समय आपातकालीन सेवाएं थी, क्या था, टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी का मैंने जिक्र नहीं किया, तो टेली रेडियोलॉजी टेली मेडिसिन हमने अपने राज्य में शुरू की, टिहरी जनपद में तो मुझे लगता कि हमने लगभग सभी डिस्पेंसरी टेली मेडिसिन से जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य, आज लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और इसलिए जो पलायन की बात आपने करी तो पलायन के कारण बड़ा स्पष्ट है, लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं, लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। इन तीन बिंदुओं पर सरकार ने फोकस करना चाहिए, हमने इन पर फोकस किया, एक डेढ़ साल तो हमारा कोविड के कारण काफी तरह का नुकसान हुआ है, आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये सेवाएं हमको देनी होंगी। और आप अगर आप देखेंगे, अगर आप थपलियाल जी अगर आप देखेंगे और आप आंकड़ा मंगाएंगे तो आज से चार साल पहले क्योंकि 17 में तुरंत भी भर्ती नहीं हो सकती थी, मैंने सेना के जनरल रावत साहब थे, जनरल साहब को मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लाया, मैंने कहा यहाँ आप इसको आप संभाल लीजिए, मैंने तमाम प्रयास किए, मैंने उड़ीसा में फिफ्थ पे मिल रहा था वहाँ के डॉक्टर्स को, मैंने कहा उड़ीसा से डॉक्टर लाएंगे, लोगों ने कहा साहब हम तो गढ़वाली लोग, हम बातचीत कैसे करेंगे उड़ीसा से डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, वो गढ़वाली समझेंगे नहीं, हिंदी वो लोग बोल नहीं सकते, अंग्रेजी हम नहीं बोल सकते, अंग्रेजी हम नहीं समझ सकते, तो कैसे क्या होगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मैंने पूरे दक्षिण के अखबारों में भी इसके लिए कोशिश करी कि वहां से डॉक्टर आ जाए हमारे पास, और इतना प्रयास करने के बाद अभी हमको लगभग जब 3.5-4 साल हुआ तब हम सफलता मिल पाए, हम 2600 तक डॉक्टर अपने यहाँ पहुंचा पाए, अभी 2600 डॉक्टर हमने किए, लेकिन इनमें से कुछ हायर एजुकेशन के लिए पीजी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया, अब हम हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है, उनको भी हम छोड़ नहीं सकते, उनको भी हमको जाओ भैया पढ़ाई करो अच्छी बात है, कुछ उनमें 100-150 उनमें से डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, ये दिक्कतें हैं, लेकिन जो उत्तराखंड का जो मुझे फ्यूचर दिखता है इन सब चीजों को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है रोजगार। और वो जो हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पुरोहित जी ने मुझे याद दिलाया, जो हमने उस पर काम किया, जो पर्यटन पर हमने फोकस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑल ओवर रोड हमको दिया, रेल की कनेक्टिविटी हमको दी है, एयर की हमारे यहाँ देश में सबसे अच्छी हेली सर्विस और देश का पहला हेलीड्रोम ये उत्तराखंड में और सबसे बेस्ट है देश का, और इतनी बढ़िया हेली सर्विस देश में कहीं पर नहीं जितनी उत्तराखंड में आज है, तो उसका कारण यही था। और आपको देखा होगा कि हमने तमाम हमने कोशिश करी, एक एम्बुलेंस भी हमने बीच में एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करी, हम लोगों को दूर सुदूर से धारचूला से न जाने कहाँ कहाँ से एमरजेंसी में हम लोगों को उठाकर हम लोग यहाँ तक उस हायर सेंटर तक हमने पहुँचाने का काम किया। पलायन रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर हम अच्छा रोजगार, और रोजगार का जो संभावनाएं हैं वो पर्यटन में है, जो हमने इस दौरान जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 से ज्यादा काम के लिए हमने किया, उसमें 25% तक सब्सिडी दी, हर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमने 20% बजट ये केवल हमने स्वरोजगार के लिए रख दिया, और सोलर स्वरोजगार योजना 10,000 लोगों के लिए, जो 13,000 से 15,000 रुपये महीना वो उनके लिए कमाई हो सकती है, हमने सोलर फार्मिंग, हमने खेती नहीं हो रही है तो हमने सोलर फार्मिंग, अब थपलियाल जी अगर हालात ठीक रही तो सितंबर तक हमारे राज्य में 187 मेगावाट बिजली ये हमारे सोलर फार्मिंग से बननी शुरू हो जाए। हमने चीड़ की पत्तियों से उससे हमने बिजली बनाने का काम शुरू किया, हमने चीड़ की पत्तियों से पैलेट्स बना करके और इंडस्ट्री ईंधन का काम, ये सब प्रयोग सफल हो गए हैं, और इंडस्ट्री भी एक हमारी लग गई है अल्मोड़ा जिले में, और
उस व्यक्ति का निजी जो आवश्यकता है वो 70 MT उनकी पर डे की अपनी खपत है। मैं सुरेखा जी से कह रहा था कि हमारे विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालयों को जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, तमाम विश्वविद्यालयों को इस पर काम करना चाहिए कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनको राज्य की आर्थिकी में हम उनका कैसे योगदान कर सकते हैं, उस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए। क्योंकि अब तो ऐसा तो है नहीं कि तक्षशिला और नालंदा दो ही विश्वविद्यालय हों, अब तो विश्वविद्यालयों की ढेर है। तो विश्वविद्यालय अपने राज्य में ही 30-32 विश्वविद्यालय हैं। हर विश्वविद्यालय अगर एक एक क्षेत्र पकड़ेगा तो हम इसको रोक सकेंगे। हमने पलायन आयोग भी हमने राज्य में बनाया इसी वजह से। और एक पहाड़ी ऑफिसर जो IFS ऑफिसर थे और भारत सरकार में थे, DG फॉरेस्ट थे, उनको हमने इस काम में लगाया। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इसका दफ्तर और मैं चाहूंगा कि हम, और आप आश्चर्य करेंगे उस व्यक्ति ने इस उम्र में भी इतना दूरस्थ गांव में गांव जाकर के उन्होंने अध्ययन जो किया है, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप उनको उसको आप ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। जो उन्होंने 7-8 जिलों की जो रिपोर्ट दी है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट, बहुत अच्छा शोध कार्य उन्होंने किया है। तो पलायन तो तभी रुकेगा जब वहां पर, दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ का जितना बुद्धिजीवी है तमाम बुद्धिजीवी वहां से पलायन कर गए, उनके अकाउंट सब पलायन कर गए। ये कि बड़ी चुनौती है। हिमाचल में इसका उलट है, सब लोगों ने अपने गांव में रखा है। और इसका कारण यह कि हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, 20 नाली भूमि हमारे पास, यानी 1 एकड़ हमारी एवरेज है, उसमें भी पानी नहीं है, उसमें भी 20 नाली जमीन है, तो पता हो सकता है कि 20 खेत होंगे। फिर वो 20 खेत में से उस 20 पे हो सकता है कि 50 का, अगर हम उसको ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो हो सकता है 50 उस एक खेत के मालिकों एक हिस्से में 10 मीटर ही ना आए, 5 ही मीटर आए, 1 ही मीटर आए उस खेत में, क्योंकि सबके संजायती खाते हैं, गोल खाते हैं। तो तमाम तरह की बहुत बड़े सुधारों की जरूरत है। जो हमने चकबंदी पर मैंने फोकस किया, उसमें एक्ट ऐसे हैं अभी जो सबसे अच्छा एक्ट माना जाता है भारत में, वो यूपी का माना जाता है, चकबंदी का कानून जो है, लेकिन बहुत दिक्कतें हैं। हमने स्वैच्छिक चकबंदी, खंडूड़ी जी ने मुझे उसका अध्यक्षता में, एक कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनाई थी, तो मैंने स्वैच्छिक चकबंदी 15-20 दिन में मैंने उसका ऑर्डर कर दिया था। उस कमेटी की 4-5 मीटिंगें करके और 15-20 दिन में सब कर दिया। उसके लिए हमने कहा कि जो गांव चकबंदी करेगा उसको इतना फंडिंग स्टेट करेगी। और 20 गांव, एक अब तो उसका नाम नारायणपुर रख दिया है, पहले 20 गांव नाम था से पहले, वहां पर मैंने 50 लाख रुपए दिए जब मैं कृषि मंत्री था, तो उस गांव ने इस काम को किया। नोटिफिकेशन मैंने उस गांव का करवाया था चकबंदी। तो तमाम तरह के बहुत, इसमें बहुत बड़ा विषय है। मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बड़ा सुधार की जरूरत है, बहुत बड़े सुधार की, जो लोग पहचान नहीं पाते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्वित तरीके से आपने सभी प्रश्नों का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया, और मैं बाकी प्रतिभागियों को जिक्र करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, जैसे मैं शुरू में जिक्र किया, वो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि ऐसे शोध पर आधारित है जिस पर आगे चल के नोबेल भी मिला था। तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, विश्वविद्यालयों में उस पर चर्चाएं होंगी आगे आने वाले दिनों में, और राज्य को निश्चित रूप से, राज्य को और समाज को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आज आपने दून विश्वविद्यालय के निमंत्रण को स्वीकार किया, हम सबके आमंत्रण को स्वीकार किया, हम सबको आप अपना संदेश देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी।